ऑनरेबल सेनेटर कामरान माइकल, कामरान माइकल जी, शुक्रिया चेयरमैन साहब जी। फाटा को भी इंक्लूड कर दें उसमें जी, मर्जर मर्ज फाटा जी। जी शुक्रिया चेयरमैन साहब। चेयरमैन साहब मैं आपकी तवज्जो नहायत ही अहमियत के हामिल मसले की तरफ मरकूज कराना चाहता हूँ। मसला यूं है कि हमारी मसीही कौम के एक सपूत जिन्होंने CSS करके अभी पहली उनकी पोस्टिंग है असिस्टेंट कमिश्नर की पीर महल टोबा टेक सिंह में, और सिर्फ इस बेस पे कि वो एक मसीही है, इस बेस पे मजहब की बुनियाद पे, तासुब की बुनियाद पे, दो दिन कबल चंद शहर पसंद नासर ने, और उसमें एक वकील साहब भी शामिल हैं बार के जो अहदेदारान हैं, उन्होंने उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया, उनके कपड़े फाड़े, बहुत मारा पीटा, घसीट कर उन्हें वहां से बाहर लेकर गए। FIR हमने लॉन्च करवाई, अभी तक पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। मैं ये समझता हूं कि एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे हमारे बहुत से मसीही अभी असिस्टेंट कमिश्नर्स भी हैं, DC के रैंक पे भी काम कर रहे हैं। अगर असिस्टेंट कमिश्नर, DC जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं और पाकिस्तान को बनाने वाले लोगों में शामिल हैं, तो उनके ये बच्चे हैं, अगर ये महफूज नहीं हैं, अगर हम यहां पर बैठे लोग महफूज नहीं हैं जो अपनी कौमों की, अपनी बरादरियों की नुमाइंदगी भी करते हैं और पाकिस्तान के मशक्शुदा चेहरे को दुनिया के सामने खूबसूरत बनाकर पेश करते हैं, तो फिर क्या, कैसे कोई यहां पर सर्वाइव कर सकता है। और ये मैं समझता हूं पहले भी ऐसा हुआ है, हमारे एक भाई पाकिस्तान के सपूत, हमारे मसीही भाई आशिर अजीम, जिनको धुआं ड्रामा से भी बड़ी पजीराई मिली थी क्वेटा में, और फिर मैं समझता हूं कि उन्होंने, क्योंकि यहां पर हमारे बलोच भाई बड़ी बलोचिस्तान के लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, वो हमारे डिप्टी कस्टम्स कलेक्टर भी थे, लेकिन उसके बावजूद वो भी तासुब की भेंट चढ़े और वो पाकिस्तान को छोड़ने पर मजबूर हो गए। हम पाकिस्तान के खैरखा हैं, हमारे बावजदार ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी हैं।